गाइस दिस इज बैंत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे भाई। मैं भी ठीक हूँ भाई। आज अपने पास है किया की तरफ से आने वाली कैरेंस, जो भाई एक ऐसी कार है जो मतलब मार्केट में आई थी 2022 की स्टार्टिंग में आई थी जनवरी में। तो भाई कार ने आते ही सबसे पहले तो भाई किया की सेल्स को बहुत इंक्रीज़ कर दिया था, क्योंकि इस कार ये एक MPV कैटेगरी में आ रही है। MPV है बेसिकली एक तरह से ये। तो भाई ये ऐसी कार है जिसने आते ही सबसे पहले मार्केट में दो तीन कार्स थी जिनको टक्कर दी थी। सबसे पहले तो भाई मारुति की मोस्ट सेलिंग कार, मतलब एक MPV जो सबसे ज़्यादा बेची जा रही है मारुति की तरफ से, वो है आपकी एक अर्टिगा, दूसरी एक आपकी XL6 और भाई इनोवा। मतलब काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे भी थे जिन्होंने इनोवा कैंसिल करके ये ली थी, क्योंकि भाई इनोवा का बेस मॉडल जो है आपका 20 लाख का पड़ जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ फीचर भाई आपको पता है टोयोटा कुछ देती नहीं है, रिलायबिलिटी के नाम पर वो बिकती है। तो किया ने मतलब 15-20 लाख रुपए में इतना मतलब इतनी प्रीमियम चीज़ें दे रखी थी भाई। इस कार की एक्स शोरूम बताऊँ तो आपकी 14,80,000 दिल्ली में पड़ती है, एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं। और भाई वही आपकी इनोवा क्रिस्टा अगर मैं बात करूँ तो वो 19-20 लाख रुपए का बेस मॉडल पड़ता है। तो भाई इसमें 15 लाख में आप क्या क्या लोगे उसके बारे में मैं इंटीरियर में जाऊँगा तो आपको बताऊँगा। भाई ये आपका IMT गेयरबॉक्स के साथ है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें आपका भाई मैनुअल होती है लेकिन उसमें क्लच नहीं होता, क्लचलेस मैनुअल जिसको आप बोल सकते हैं डायरेक्ट, जिसमें आपको बिना क्लच प्रेस करे आप नॉर्मल जैसे कार मैनुअल चलाते हो वैसे ही उसको ड्राइव करोगे, बट उसमें आपको क्लच नहीं होगा। क्लच मतलब एक तरह से ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों है इसमें, आप ये मान लो। तो भाई ये है आपके सामने प्रेस्टेज प्लस IMT वेरिएंट किया कैरेंस का, जिसमें आपको TGDI की बैजिंग मिलती है इधर, मतलब इसका जो वो है इंजन वो टर्बो चार्ज्ड है। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो टर्बो चार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन करके जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो भाई अब जो हम कार के बारे में बात करते हैं, ये भाई इसका ब्लैक कलर है और भाई ब्लैक कलर में कार बहुत सुंदर लग रही है भाई। और भी काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन आते हैं, ब्राउन रेड काफ़ी सारे आते हैं, पर भाई ये ब्लैक में ज़्यादा मस्त लग रही है भाई। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक भाई आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो। सबसे पहले अगर हम कार की फ्रंट से बात करें ना, तो फ्रंट में देखो भाई आपको कैसी लुक मिल रही है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ भाई। एकदम मतलब एकदम स्लीक डिज़ाइन है भाई, एकदम मतलब जैसे एक एक चीज़ का क्या ने यहाँ ध्यान रखा है। सबसे पहले भाई ग्रिल देखो, क्रोम कहीं भी नहीं है, ग्लॉस ब्लैक का यूज़ करा गया है। अब तो इन्होंने ये जो इनका लोगो है ये भी आपका सैटिन सिल्वर टाइप कलर में देने लग रहे हैं। बाकी भाई देखो यहाँ ग्लॉस ब्लैक में कितना मस्त पैटर्न जो है कि यहाँ ने प्रोवाइड करा आपको। उसके बाद भाई इस वेरिएंट में आपको जो है DRL भी मिल जाती है, और भाई DRL कुछ इस हिसाब से जल रही हैं। बाकी इस वेरिएंट में आपको ना LED हेडलैम्प नहीं मिलते हैं, ये आपको हेलोजन ही मिलते हैं। हेलोजन इसमें आपको इंडिकेटर दे रहे हैं, इससे ऊपर वाले में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह LED के साथ वो मिल जाते हैं। बाकी भाई इसमें देखो हेडलैम्प, चलो आप HID इसमें डलवा सकते हो। उसके बाद भाई ये देखो 1, 2, 3 भाई चार जो है इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर दे रही है किया। उसी के साथ भाई नीचे अगर आ जाएँ तो सिल्वर कलर में यहाँ पे थोड़ी इन्होंने अपनी सिल्वर सैटिन फिनिश, और नीचे आपको स्किड प्लेट भी दे रखी है, आपको स्क्रैच मतलब कहीं गाड़ी टच हो तो प्रॉब्लम होगी नहीं उतनी। तो भाई काम तो बहुत अच्छा कराया कार पे। बाकी भाई इसमें एडास टॉप वेरिएंट में एडास इसमें आता नहीं है अभी, अभी भाई इसका फेसलिफ्ट कराया बट इसमें एडास नहीं है आपका। तो भाई अब जो हम कार की साइड प्रोफाइल से बात करते हैं, हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो देखो भाई कार में आपको एक फ्रेम में तो आ भी नहीं रही है, एक फ्रेम में सिर्फ इतनी कार आ रही है। अब अल्ट्रा वाइड करता हूँ, मेरे को पीछे जाना पड़ता है तब जाके पूरी कार जो फ्रेम आती है भाई, बहुत एकदम अंदर से बहुत प्रीमियम फिनिश आपको देने वाली है। मतलब आपको एक तरह से भाई कह सकते हैं अगर थोड़ी ऊँची होती तो आपको SUV वाली पूरी फील मिलती इसके अंदर, बट एक तरह से SUV मान लो, जैसे लोग ब्रेजा वगैरह को भी SUV कह देते हैं तो भाई इसको तो कह ही सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। बाकी ये MPV कैटेगरी में आ जाती है भाई। सबसे पहले तो भाई ये देखो इधर व्हील आर्चिंग भाई, बड़ी बड़ी व्हील आर्चिंग मिलती है, कोई बोल्ड सी नहीं लग रही। जैसे XL6 में तो भाई बहुत बाहर आउट मतलब बाहर की साइड दे रखी है तो थोड़ी अजीब सी लगती है मेरे को, हम खुद ऑन कर रहे हैं बट मेरे को अजीब लगती है वो। बाकी भाई ये इसमें आपको MRF का ये वंडर करके जो कंपनी है इसका टायर मिलता है, एलॉय व्हील भाई इसमें आपको कंपनी दे रही है, डायमंड कट वाले दे रही है, जिसमें आपका साइज़ दिखाऊं तो आपका भाई 205/65R16 भाई 16 इंच का इसमें आपको एलॉय प्रोवाइड कर रही है। और भाई इसमें आपको है ना एक सेफ्टी फीचर ये बता दूँ कि इसमें आपको All-4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं, फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कर रही है कंपनी। बाकी ORVM जो आपके इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और विथ टर्न इंडिकेटर्स LED, इसके अंदर मतलब LED में इसके इंडिकेटर मिल रहे हैं आपको। ये मैं आपको
कार इंटीरियर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो भाई इसमें आपको जो है कीलेस एंट्री मिल रही है, और सबसे पहले भाई कार के अंदर बैठते हैं हम। भाई डोर ट्रिम देख लो, डोर ट्रिम में आपको इधर प्रीमियम फिनिश मिलती है सिल्वर सेटिन, जिसमें आपका डोर अनलॉक वगैरह वाले वो हुए, और इधर आपको भाई सॉफ्ट टच कहीं नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है मतलब गत्ता जिसको बोलते हैं। इधर थोड़ी बहुत स्पेस भाई ये इन काफ़ी प्रीमियम सी दे रखी है इधर ऐसे पकड़ने के लिए, एकदम फील आएगी आपको। बाकी भाई कार ऐसा है भाई, देखो इसमें आप देख रहे हो 6 गियर हैं, 6 स्पीड मैनुअल, और DCT के साथ भी आती है भाई ये टॉप, मतलब आपकी चॉइस, आप DCT चाहो तो। ये देख रहे हो भाई इधर ही होगा IMT का गेयर बॉक्स, इसके मतलब गेयर, और इधर क्लच नहीं है। तो आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे भाई, नॉर्मल सा आपको ब्रेक दबाना है, ऑटोमेटिक की तरह ही स्टार्ट होगी, ब्रेक दबाओगे पुश बटन करोगे, ये लो भाई स्टार्ट हो गई है। भाई मीटर देखो इनका वो वेन्यू जैसा ही दे रखा है, जैसे हुंडई की वेन्यू में आता है वैसा मीटर इन्होंने आपको दे रखा है। अब जैसे ही मैं इसका हैंड ब्रेक हटाऊंगा तो मीटर आपको ऐसा मिल जाता है भाई। सबसे पहले भाई स्टेयरिंग टाइप की बात कर लेते हो, इसमें आपको एकदम गोल स्टेयरिंग मिलता है, कोई डी कट वाला स्टेयरिंग नहीं दे रखा। बाकी प्रीमियम फिनिश भाई भर के दे रखी है, जैसे यहाँ पियानो ब्लैक वगैरह आपको मिल ही रहा है। सबसे पहले भाई स्टेयरिंग की बात कर लें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग भी मिलता है, हाइड्रोलिक नहीं है। इधर आपको सिल्वर सी फिनिश, बीच में किया का लोगो, इस साइड आपको मिल जाते हैं टेलीफोनी के बटन, इस साइड आपको मिल जाते हैं आपका क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर मिल रहा है भाई। बाकी इसके अंदर और भी फीचर्स हैं, ड्राइव टू डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटर भी इसके अंदर आपको मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल है, और भी भाई काफ़ी सारे फीचर हैं। जैसे अब आपको दिखाऊं, आप इधर डिजिटल एवरेज वगैरह, ये ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर लाइट वगैरह, ड्राइव टू डिस्प्ले, एवरेज वेवरेज सब इसके अंदर आप देख सकते हो। बाकी भाई ऐसा कुछ मीटर है इसका, मतलब ये भी आप कलर वगैरह इसका भाई मेरे को श्योर नहीं हूँ कलर चेंज होते नहीं होते। बाकी भाई इस साइड आपको टेलीफोनी के मिल जाते हैं जो मैंने आपको बता ही दिए हैं, इस साइड आपको ये मिल जाता है, आप मतलब कोइन वगैरह रख लो आप। बाकी AC वेंट्स देखो भाई, पता भी नहीं चलता ये AC है इधर, पता भी नहीं चलता, ये इतनी प्रीमियम से बना रखी है एकदम। इधर ये आपके AC वेंट है सिल्वर के अंदर। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल रहा है। बाकी अब जो हम आपके आ जाते हैं इसके अंदर, ये है भाई आपका 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम, जिसमें आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले दोनों चल जाते हैं भाई। और भाई बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रहा है, ऐसे नहीं है कि मतलब खराब वराब, मतलब लैग वैग सा है, कुछ भी लैग नहीं है इसके अंदर, एकदम स्मूथ चल रहा है भाई। फ़ोन वोन आप अपना मीडिया वीडिया कर सकते हो, एकदम प्रीमियम सा है भाई। बाकी नीचे आपको मिल जाता है इधर हजार्ड का, जिसमें आपके इस वेरियंट आपको हेलोजन मिल रहे हैं। इधर नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बंद हो जा भाई। बाकी इधर आपको ये भी दे रखा है, ये थोड़े सही से लगते भाई, ये प्रैक्टिकल है, बटन सब कुछ डिजिटल है ना, मेरे को तो पसंद नहीं है, थोड़ी ओल्ड स्कूल वाइब भी होनी चाहिए। बाकी इस तरफ भाई आपकी फ़ैन स्पीड का कंट्रोल हो गया, इधर आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपका, ये आपकी टच है भाई, ये बटन नहीं है AC वैसी, ये रियर फोगर, डिफोगर वगैरह, ऑफ, ऑटो, ये आपके टच में दे रखे हैं। बाकी ये इधर फैन स्पीड, भाई नीचे की तरफ आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और इस साइड भाई आपको Type-C का वो प्रोवाइड कर रखा है आपका फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए। इस तरफ आपको दे रखा है भाई USB। बाकी ये हो गया फ्रंट के पार्किंग में सेंसर वगैरह ऑन करने के, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर हो गया भाई। इस साइड ये हो गया भाई आपका हिल डिसेंट का ब्रेक कंट्रोल जो होता है, मतलब कार धीरे धीरे जाएगी, बेसिकली इसको कहते हैं हिल डिसेंट या हिल होल्ड जो भी है, दो होते हैं भाई दोनों अलग अलग। बाकी मैं गियर की मैंने बात कर ही ली है। इधर अगर हम बात करें तो भाई कप होल्डर भी इसमें आपको कूल मिलते हैं, ये देखो भाई आप AC का फ्लो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ये आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है, कूल फीचर है भाई एक तरह से, एकदम लगता है कि हमारी कार में है कुछ। बाकी मैनुअल इसमें आपको हैंड ब्रेक मिल रहा है। इस साइड अगर हम बात करें तो आर्म रेस्ट है सॉफ्ट टच के साथ, और थोड़ा सा स्पेस इधर है, और इधर और थोड़ा है, ट्रे को हटा देते हैं तो बाकी आप इधर से इधर डाल सकते हो डायरेक्ट। सीटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो भाई इसमें आपको फैब्रिक मिलता है, लेदर नहीं मिलती है। बाकी भाई अंडर थाई सपोर्ट कार मतलब बहुत अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है। हेड रेस्ट वगैरह एक कम्फर्टेबल है भाई कार, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कार कम्फर्टेबल है। बाकी इस तरफ अगर हम बात करें तो आपको टिकट होल्डर दे रखा है इन्होंने, इस साइड आपकी हेलोजन में होगी वैनिटी लाइट,
और इस साइड आपको मिल जाता है भाई सनग्लास होल्डर। इस साइड में आपको मिल रहा है भाई मिरर मिल रहा है बट लाइट नहीं मिल रही है। इस साइड में आपको मिल जाते हैं ये ग्रैब हैंडल्स। बाकी भाई सीट बेल्ट की अगर हम बात करें ना तो सीट बेल्ट इसमें आपको फिक्स मिलते हैं, हाइट एडजस्टेबल नहीं दे रखे हैं। चलो भाई इतना तो चलता है यार, सही है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है भाई। अब जो है अब हम पीछे चलते हैं। बाकी भाई इधर आपको ना ये भी मिल जाता है कप होल्डर जिसको कहते हैं ग्लोव बॉक्स। अगर हम इसमें बात करें तो ऐसा छोटा सा ग्लोव बॉक्स है जिसमें कोई लाइट वाइट इन्होंने कुछ नहीं दे रखी, बाकी नॉर्मल सा है। ठीक है भाई 15-20 लाख में और क्या लोगे भाई, 15 लाख में बहुत प्रीमियम कार बना रखी है इन्होंने। क्रेटा व्रेटा कोई फैमिली पर्पस के लिए भाई कार ये बहुत बढ़िया कार है, आपको प्रीमियम भी एकदम पूरी लगेगी, लग्जरी भी लगेगी और मतलब एक तरह से आप MPV मतलब काफ़ी अच्छी है भाई, कूल कार है एकदम। इनोवा क्रिस्टा अगर आप ले रहे हो उससे तो सही है, उसमें आपको रिलायबिलिटी अच्छी मिलती है क्रिस्टा में, टोयोटा की कार्स में रिलायबिलिटी अच्छी मिलती है भाई। किया फीचर वीचर आपको काफ़ी फीचर लोडेड कार दे रही है, क्रूज कंट्रोल वगैरह प्रॉपर आपको दे रही है। अब जो भाई रियर में चलते हैं, रियर में दिखाता हूँ क्या कुछ प्रोवाइड करा है, क्या मतलब मैं आगे वाली सीट अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मैं आपको ना आइडल स्टार्ट स्टॉप और आपका ट्रैक्शन का बटन भी मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी सीट आपको हाइट एडजस्टेबल भी दे रही है कंपनी। जो है भाई हम कार के रियर में आ गए हैं, तो रियर में भी भाई वही सेम है जैसा आपका फ्रंट में था, पावर विंडो उसी के साथ भाई कंपनी वेरिएंट में आपको सन ब्लाइंड दे रही है कंपनी फिटेड, तो कोई चालान वाला भी नहीं कर सकता आपका, एकदम प्रॉपर आपकी सनलाइट सन ब्लाइंड जो कहते हैं। बाकी इस साइड आपको थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है भाई, इस साइड में आपको दो बोतल होल्डर प्रोवाइड कर रखे हैं। इधर से आप भाई अपनी AC का फ्लो जो है AC वेंट देखो भाई इधर दिए हैं, आप इसको ऐसे ऑफ करो, ये सही है भाई। इधर हेडरूम भाई बहुत अच्छा हेडरूम है, अगर मैं इसको ये देखो भाई हेडरूम मेरा फेस यहाँ पे है और हेडरूम देखो भाई इतना हेडरूम दे रखा है, काफ़ी है भाई हेडरूम, अच्छे अच्छे लंबे बंदे भी इसमें आराम से बैठ जाएंगे। बाकी रियर में आपका रीडिंग लैंप हो गया हेलोजन में, इस साइड आपको दे रखा है ग्रैब हैंडल और एक ये हुक। बाकी इधर से आप अपनी AC का फ्लो जो है वो सेट करोगे भाई, जो कि बहुत सही है भाई, प्रीमियम सा ये भी दे रखा है, रेड ब्लू आप कर सकते हो। नीचे आपको मिल जाता है भाई दो दो फ़ोन चार्ज करने के ऑप्शन Type-C में, उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस। बाकी भाई बीच में आपको मिल रहा है हैंडरेस्ट विदाउट कप होल्डर, कप होल्डर इसमें नहीं है। रियर में आपको सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, एक मिडल वाला है जो ये, इसमें आपको कोई हेडरेस्ट वगैरह है नहीं। बाकी ठीक है भाई कार काफ़ी बढ़िया है। रियर वाली सीट पे चलते हैं, दिखाता हूँ कैसा क्या कंफर्ट वम्फर्ट आपका। बाकी रियर में भी इन्होंने AC वेंट दे रखे हैं भाई, बहुत सही दे रखा है, लास्ट वाले बंदे के पास भी AC की हवा पहुँचेगी अच्छे से। अब जो है लास्ट में चलते हैं भाई, जो भाई इसमें आपको मिलता है वन टच रिक्लाइन भाई, देखना अभी आप ये आपकी रिक्लाइन हो गई जो हम ऐसे पीछे आएंगे। तो भाई हम रियर में आ गए हैं गाड़ी के, तो अभी सीट को करते हैं भाई। भाई कोई सी गाड़ी ले लो ये चीज़ क्रिस्टा के लिए कहनी पड़ेगी कि उसमें आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है रियर में। बाकी लेग रूम तो भाई इसमें है नहीं इतना, अंडर थाई सपोर्ट जो होता है। बाकी इस साइड में आपको दे रखा है कंपनी ने चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का, इधर थोड़ा कप होल्डर वगैरह अपना फ़ोन वोन रख लो लगा के चार्ज, वही आपको सेम इस साइड भी दे रखा है। इस साइड थोड़ा आपको हुक वुक टाइप का दे रखा है भाई। बाकी क्वार्टर विंडो देखो भाई सही है, व्यू आ जाता है, छोटा है बट ठीक है नॉर्मल है। बाकी रियर में आपको सीट बेल्ट मिल जाते हैं, ये इधर आपके AC वेंट हो गए, रियर में आपको रीडिंग लैंप रियर में भी प्रोवाइड कर रखा है। तो भाई कार बहुत अच्छी है, मतलब सही है। अब जैसे ये मैंने सीट इधर देख सकते हो भाई, ये सीट आपकी खड़ी है और ये मैंने रिक्लाइन कर रखी है, तो भाई एक नंबर फील आ रही है इस कार में, तो भाई बहुत बढ़िया कार है। अब जब आपको बूट दिखा देता हूँ, दोनों सीट मतलब दिखा देता हूँ बूट का क्या सीन है। अब जब भाई हम इसके बूट में आ गए हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं है, नॉर्मल बूट है आपका हाइड्रोलिक वाला। अरे भाई कंपनी इसका बूट स्पेस जो क्लेम कर रही है 216 लीटर का क्लेम कर रही है, जिसमें आपको रियर में इधर आपका ये हुक वगैरह दे रही है। इस साइड में इसका टूल किट होगा भाई, और तो क्या है। बाकी ये कुछ सीन है भाई, देखो कंपनी जो है क्लेम कर रही है 216 का, ये जो बच रहा है। बाकी इनको सीटों को आगे कर देंगे तो और भी बूट स्पेस काफ़ी अच्छा बन जाएगा आपके लिए। बाकी नीचे इधर आपको ये इसकी जेन्युइन एक्सेसरीज वगैरह जो है ये आपको, ये तो भाई आप ओनर ने जो है परचेज करी होगी, बाकी ये थोड़ी बहुत ये अपना ये देते ही हैं। ठीक है भाई आपका,
सही है। बाकी स्टेपनी इस कार की जो है नीचे दे रखी है, सेम साइज में ही होगी भाई ये, सेम साइज में है। बाकी इधर इसका एग्जॉस्ट है, इसके ऊपर बिल्कुल मुंह था भाई, एकदम कार क्लीन नीचे से, धुआं देख पा रहे होगे भाई इसका। बाकी ये स्टेप नहीं है इसकी, जो कि ठीक है। रियर में भी आपको चार पार्किंग सेंसर, वो ये इधर भाई कनेक्टिक टेम लैम्प, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना, और ये इधर भाई कैरेंस की बैजिंग सिल्वर सेटिन फिनिश में, इधर TGDI की बैजिंग, और दो रिफ्लेक्टर और सिल्वर फिनिश जो दे रखी है, नीचे आपको स्किड प्लेट ग्लोस ब्लैक में दे रखी है। अब जो है भाई हम इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, उससे पहले भाई बता दूँ इसमें आपको डीफोगर वाइपर दोनों मिल रहे हैं। तो टॉप मॉडल वाली मतलब वो आपको फील नहीं आएगी बिल्कुल कि आपने नीचे वाला वेरिएंट ले रखा है, सब कुछ कंपनी ने इसमें आपको प्रोवाइड कराया भाई, बहुत वैल्यू फॉर मनी है ये वेरिएंट। अगर आपको IMT ट्राई करना है तो IMT देखो, बाकी मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ अवेलेबल है। अब जो है भाई हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। हम कार के इंजन की बात कर लें तो इसमें आपको भाई 1500cc का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, जिसकी बैजिंग आप यहाँ देख भी सकते हो, जिसमें भाई आपको जो है इसकी टॉप पावर मिलती है 157 BHP एंड टॉर्क मिल जाता है 252 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि आपको इस कार के लिए सफिशियंट पावर है भाई, काफ़ी अच्छी पावर इसको मिल जाएगी, मतलब 157 BHP भाई बहुत होती हैं, काफ़ी मतलब अच्छी BHP है। बाकी भाई पेट्रोल इंजन है तो नॉइज़ तो कर रहा है, अंदर तक आ रही थी नॉइज़ में बैठा था। बाकी इधर ये इन्होंने दे नहीं रखा ना, इसका भी एक रीज़न है भाई, इधर आपको कोई इंजन नॉइज़ के लिए कोई कपड़ा वपड़ा जैसे और कंपनियाँ देती हैं वैसे इन्होंने दे नहीं रखा है। बाकी भाई इस साइड में इसका जो है, फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है 45 लीटर की कैपेसिटी, मतलब 45 लीटर पेट्रोल आप इसमें डलवाओ तब आपका फुल होगा टैंक। कार के सेफ्टी फीचर्स की बात कर ले तो किया ने जो अपने जितने फेसलिफ्ट वगैरह आप आएंगे, जैसे आपकी किया सेल्टोस आई, सोनेट आने वाली है, और आपका कैरेंस का तो कर ही दिया था, इस वेरिएंट से स्टैंडर्ड कर दिए हैं। मतलब आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, कर्टेन एयरबैग, आपके ये फ्रंट रियर वाले एयरबैग वगैरह सब मिलते हैं। बाकी इसमें आपको सेफ्टी फीचर भाई A to Z सारे दे रखे हैं कंपनी ने, आपके हिल होल्ड, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन, टायर प्रेशर मॉनिटर, हिल होल्ड, हिल डिसेंट वगैरह, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स वगैरह, सब कुछ आपकी सेफ्टी का भाई पूरा ध्यान रखा गया है। तो भाई ऐसा ही है, मतलब कार वैल्यू फॉर मनी है भाई, ले सकते हो आप। बाकी ऐसा डुअल हॉर्न इसमें आपको मिलता है भाई, बाइक क्रेटा टाइप का सा है। बाकी अब जो मैं आपको बाहर जाके इसकी की दिखा देता हूँ, कार के की बात करें तो की आपको वही मिल रही है जो इन्होंने आपकी बार सेल्टोस में दी, समझ नहीं आया भाई, इधर बिल्कुल प्लेन सा इधर करके साइड में क्यू बटन दिए हैं, जिसमें आपका सिंपल सा भाई, सबसे पहले मैं कार को जो है ऑफ करता हूँ, उसके बाद ही इसके जो है दिखा पाऊँगा मैं, सारे डोर जो है लॉक कर देता हूँ एक बार। अरे बंद हो जा। अब जो है भाई कार में इधर आपको चार बटन मिलते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले लॉक, ये आपका अनलॉक, इसको होल्ड करेंगे, ये पता नहीं भाई क्या है, बूट है क्या है, ये है बूट का भाई, इसको होल्ड करने पे आपका बूट ओपन हो जाता है। बाकी ये भाई इंजन ऑन वाला है, इस फीचर है ये भी है इसमें, अभी हो नहीं रहा है बट वो भी आपका, तो की भी ठीक है। बाकी बूट इसमें आपको मैंने कहा था ओपन हो जाता है, जो हो गया हुआ किधर है, बूट जो है ओपन हो गया है। तो भाई यही कुछ वीडियो थी, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।